गीडा थाने की पुलिस ने 30 जनवरी को कैली गांव में महिला की हत्या करने के आरोप में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को नंदापार तिराहे के सड़क के आगे 300 मीटर खजनी रोड से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान सुरेश निषाद पुत्र रेमन निवासी छोटी कैली थाना गीडा जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी नॉर्थ ने बताया कि 30 जनवरी को सुबह 7:30 बजे थाना गीडा को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम छोटी कैली हरजन टोला में महिला की गोली मारकर हत्या हो गई है, जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंचे गीडा थाना प्रभारी ने उच्च अधिकारीगणों को सूचित किया तथा फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम व स्वाट की टीम भी मौके पर आई तथा फॉरेंसिक टीम द्वारा साक्ष्य संकलन व प्रथम दृष्टया ज्ञात हुआ कि हत्या गोली मारकर की गई है तथा शव को पंचनामा की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम कराया गया। वहीं मृतिका के ससुर की तहरीर पर सुरेश निषाद पुत्र रेमन निवासी ग्राम छोटी कैली थाना गीडा गोरखपुर के खिलाफ हत्या का मुकदमा पंजीकृत हुआ, जिसको देखते हुए अभियुक्त सुरेश निषाद को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से घटना में प्रयुक्त आला कत्ल, एक देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि अभियुक्त से पूछताछ में पता चला कि वर्ष 2020 में मृतिका का लड़का सोनू मेरी भतीजी को भगा ले गया था, जिसके संबंध में थाना गीडा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था तथा पुलिस द्वारा मेरी भतीजी को बरामद कर अभियुक्त सोनू को जेल भेजा गया था, किंतु मृतिका के सहयोग व न्यायालय में प्रभावी पैरवी से दोनों पक्षों की रजामंदी पर शादी विवाह हुआ। चूंकि मृतिका अनुसूचित जाति से थी व अभियुक्त निषाद जाति का था, इस बात को लेकर अभियुक्त सुरेश हमेशा मृतिका से खुन्नस खाया रहता था कि गांव समाज के लोग उसे ताना मारते हैं, उसी बात का बदला लेने के लिए महिला की रात्रि में गोली मारकर हत्या कर दी, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में गीडा थाना प्रभारी विनय कुमार सरोज, स्वाट टीम प्रभारी प्रदीप, उपनिरीक्षक अंजनी कुमार तिवारी, हेड कांस्टेबल अरुण खरवार, कांस्टेबल करुणापति तिवारी, सुभाष चंद्र, दुर्गेश मिश्रा, चंद्र प्रकाश वर्मा शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, दिनांक 30 तारीख को थाना गीडा के ग्राम कैली में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस संबंध में थाना गीडा पर एक अभियुक्त सुरेश निषाद के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 3 टीमें बनाई गई थी। सर्विलांस व स्वाट टीम के साथ साथ थाना गीडा की टीम उसमें लगी हुई थी। संपूर्ण साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्रवाई के उपरांत आज प्रातः नंदा नगर तिराहे के पास से अभियुक्त सुरेश की गिरफ्तारी की गई। उसके पास से घटना में मौजूद प्रयुक्त आला कत्ल तमंचा की बरामदगी की गई, भी बरामद किया गया। उसे इस संबंध में लिखा पढ़ी करके जेल भेजा जा रहा है। आवश्यक अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।